So, hello Mahir, welcome to our show Synespeech. Myself Deeksha Jain. Hi Deeksha, how are you? I'm very good. Aap kaise hai? I'm Mahir. Bahut badhiya. So Mahir, first of all, very very congratulations aapke show Choti Sardari ke liye. Thank you so much. So Mahir, aapko expected tha, like aap aise like role play kar rahe hain. Aapne pehle TV modeling kari hai, uske baad web series kari hai. So ab TV show kaise? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो चुका है जो एवरीवन आस्किंग मी कि आप वेब से टीवी में क्यों आ रहे हैं. इट्स वेरी, तो मेरा ये मानना है कि ये एक स्टिग्मा है जो क्रिएटेड है कि भाई अगर आप टीवी करते हो तो वेब इज द नेक्स्ट स्टेप एंड देन मूवीज आर द नेक्स्ट स्टेप. आई डोंट थिंक काम में कंपैरिजन होना चाहिए कि ये हायर ग्रेड है ये लोअर ग्रेड है. फॉर मी अगर काम आ रहा है काम मिल रहा है that's a blessing in itself. So मैं भेदभाव नहीं करता and I really love, मुझे मजा आता है different different character करने में. एक particular type का role करना is not a lot of fun. So मैंने NRI के characters play किए हैं web में, मैंने Muslim characters play किए हैं web में, मैंने negative leads play किए हैं web में, but this was something which is very close to my heart. I'm a Punjabi, Punjabi हो और आपको एक सरदार play करने का character मिल रहा है. Turban पहनना is an honor. It's a very very big thing. So I'm just cherishing this और रब की मेहर है, blessing है. So how can I say no? So हमें किस टाइप के परम दिखने वाले हैं अब इस लीप में 20 years के लीप के बाद हमें आपकी कैसी पर्सनालिटी दिखने वाली है छोटी सरदारनी के शो में? So जो लीप के बाद my character is राजवीर जो लीप से पहले. Sorry राजवीर, I'm seriously sorry. No stress, no stress. So राजवीर का character मैं play कर रहा हूँ. He's वेरी सिंपल, बहुत पॉजिटिव इंसान है. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली. पैसे की कमी नहीं है, अच्छे से एजुकेशन करी है उसने. ही इज वेरी हाईली एजुकेटेड एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम वो बहुत डाउन टू अर्थ है, सिंपल है, एक स्माइल के साथ हमेशा चलता है, सिर्फ अच्छे काम करता है. सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर. एक बहुत ही होमली और पॉजिटिव सी वाइब है राजवीर की. एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन शूटिंग एज राजवीर, नॉट बिकॉज ओनली आई एम वेयरिंग अ टर्बन, बट बिकॉज ऑफ द ऑरा यू हैव टू कैरी. इट्स वेरी पॉजिटिव. So, ऐसा काम करने भी में मजा आता है आपको. So, आपकी जो बड़ी सिस्टर है वो है विभा मैम, and she's well experienced like woman in this TV series and shows. So, आपकी बॉन्डिंग कैसी रही उनके साथ? Like, आपको डर लगता है उनके साथ करने में काम या how is that? Speaking honestly, विभा मैम के साथ मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया, अभी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं करी इतनी, बट जितना भी करा है इट्स बीन फन. डर तो नहीं है, बट जब एक्सपीरियंस एक्टर होते हैं ना आपको सीखने को बहुत मिलता है. बिल्कुल. तो बस आई जस्ट टेक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस और जितना सीखो हमारे लिए अच्छा है. सो आई होप आई शेयर मोर स्क्रीन स्पेस विद हर सो दैट आई कैन लर्न मोर. बिल्कुल, दैट्स इट. सो लाइक आपको अभी जितनी भी ऑफ स्क्रीन लाइक कितनी मस्ती चलती है, लाइक क्या क्या करने को आपको सीखने को मिल रहा है? लाइक अभी सारे न्यू करेक्टर्स आ रहे हैं छोटी सरदारनी के शो में, तो सबके साथ कैसी बॉन्डिंग चल रही है? सो फार बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है यार. हम लोग सब साथ शूट कर रहे हैं, सबके चाहे सेट अलग अलग लगे हों, बट आज का एग्जाम्पल तो आज लंच हम लोग सब साथ कर रहे थे. अच्छा. तो एक बड़ी होमली वाइब है यहाँ पर सेट पे कि सब एक साथ खाएंगे, एक साथ बैठेंगे और पूरा एक ऐसा लग रहा है मिनी पंजाब बना हुआ है यहाँ पर, बिकॉज एवरीवन इज अ पंजाबी. ऑलराइट. और जो सेट पे काम कर रहे हैं वो लोग भी पंजाब के हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है. आई एम ऑल्सो पंजाबी और मैं मुंबई में जब रहता हूँ आई डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ पंजाबी, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग, बिकॉज एक कॉस्मो सिटी है, अलग अलग कल्चर से लोग आए हुए हैं. बट यहाँ सेंटर पे, यहाँ सेट पे शूट करते आपको लग रहा है कि आप घर पे हो, क्योंकि the whole atmosphere is very homely and it's been a pleasure. I think आपने कुछ Hollywood के shows भी करे हैं, am I right? I've done a English reality, done an English reality show called Top Model India. जैसे America's Next Top Model होता था वैसे. And I won that. So are you interested in Hollywood TV series or movie something like that? And would you prefer whatever like, comes next? अच्छा, and what do you prefer more, like Bollywood or Hollywood? What do I prefer more? I don't have any preferences. It's just that दोनों में ना बहुत different category और kind का काम है. Yeah, exactly. जो Hollywood में आप create करते हो वो Indian market में इतना successful नहीं हो सकता. जो आप Indian market के लिए create करते हो वो बाहर जाके इतना successful नहीं हो सकता. So different markets है. Bollywood का taste जितना जितना fame Bollywood वालों को मिलता है A-lister को, I don't think कोई imagine कर सकता है बाहर का आर्टिस्ट की इतना प्यार और इतना अफेक्शन लोग देते हैं. बिल्कुल. सेम टाइम द काइंड ऑफ वर्क दैट इज बीइंग जनरेटेड हॉलीवुड में, दैट इज समथिंग आई ऑलवेज वांट टू टेस्ट.
दोनों चाहिए मुझे, एक से काम नहीं बनेगा। सो आपने अभी तक जितने लाइक कास्ट के साथ आप मिले हैं, जितना आपने टाइम स्पेंड करा, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मोस्ट चुलबुल चुलबुल कैरेक्टर कौन है, मोस्ट सीरियस कैरेक्टर कौन है ऑफ स्क्रीन आपके कास्ट? ऑफ स्क्रीन हमारी कास्ट में सबसे चुलबुल कैरेक्टर आई गेस इट हैज टू बी निमृत। सबसे चुलबुल कोई नहीं है सेट पे। एंड सबसे सीरियस नहीं होगा शायद, बिकॉज़ मुझसे ज्यादा सब बात करते हैं। हां जी अच्छा। And I want to know who is your inspiration? Like आप कोई Bollywood कोई actor इसको आप देखके inspire होते हो, कोई motivation मिलता हो आपको? I'll be very honest. If I name one person, then that'll be very unjustified towards others. अच्छा। हर life के हर पहलू पे किसी ना किसी ने आपको inspire किया। Yeah. कभी किसी का career inspire करता है, कभी किसी की movie में एक simple character inspire करता है। I love how Shahrukh Khan has embraced himself. His life story has been inspiration. But I love how Randeep Hooda played a character in Sarabjit. That was beautifully done. So similarly, there are so many people and so many inspirations around you. And it's all about how you look at them. So just jahan se hame koi cheez mil jati hai choti si, hame seekhne ko mil jata hai, seekhne par inspire ho jata hai. So rather than acting, aapke kuch aur hobbies ho jo hum log nahi jante ho? I play football. I'm a gamer. I'm an avid gamer. मुझे जब टाइम मिले मैं प्लेस्टेशन पे बैठ जाता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए होता उस टाइम। एंड आई एम अ फिटनेस फ्रीक, आई एम अ लॉट इन जिमिंग, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। एंड व्हाट इज योर फेमस या फेवरेट एडवेंचरस स्पोर्ट? फेवरेट एडवेंचरस स्पोर्ट आई कांट नेम वन, आई जस्ट लव ट्राइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज स्काई डाइविंग, जो मैंने अभी तक कभी नहीं किया, वो करना है, तो अभी के लिए फेवरेट वो है। एंड कोई ऐसी प्लेस जो आप विजिट करना चाहते हो और अभी तक आपने विजिट नहीं कर पाए हो, ड्रीम प्लेस? देयर आर सो मेनी। आई वांट टू गो टू ग्रीस, फ्रांस, अ लॉट ऑफ देम, लॉट ऑफ प्लेसेस। सो एनी फेवरेट स्ट्रीट फूड, लाइक एज अ फिटनेस आप जिम करते हो तो आई थिंक स्ट्रीट फूड तो बहुत ज्यादा लाइन पे बाहर है, बच्चे एक होता ही है। चटपटे चीजें जैसे कि चाट पापड़ी हो गए, गोलगप्पे हो गए, स्ट्रीट फूड, मतलब नॉर्थ में हर किसी को वही पसंद होता है। आई डोंट थिंक किसी कोई ना कह सकता है सर। बिल्कुल। सो ऑलवेज दैट। एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी इन एक्टिंग? लाइक पहले तो आप मॉडल थे, सो आपने एक्टिंग लाइक आपको खुद से ऑफर मिला या यू ट्राई फॉर इट? इट्स लाइक मॉडलिंग हैपेंड। मैं ऑलवेज आई वाज एन एक्टर, सो आई स्टार्टेड विद थिएटर करते थे, फिर स्ट्रीट प्ले किया, फिर स्ट्रीट प्ले से ऑलरेडी रेडियो बनाया, उससे 15 मैंने ज्वाइन करा। एंड स्लोली एज एन एक्टर आई डिड अ फीचर फिल्म, फिर उससे मेरे को मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, मॉडलिंग करते गए, फिर टॉप मॉडल इंडिया करा, फिर वहां से एक्टिंग हुई एकदम से अगेन। सो इट्स बीन अ क्रेजी क्रेजी जर्नी एंड इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन, अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। सो एक्टिंग में स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक आपको स्टार्टिंग से ही आपने ठान रखा था कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है, या कुछ आप और कुछ पढ़ाई कर रहे थे, ये जस्ट हैपन हो गया एक्टिंग में आना? नहीं नहीं, स्टार्टिंग से ही था कि एक्टिंग में जाना है, बट घर वालों का ये था कि फर्स्ट यू कंप्लीट योर एजुकेशन एंड देन यू मूव टू मुंबई एंड एवरीथिंग। सो But still, I ended up starting early only. काम ने मुंबई बुला लिया पहले। अच्छा। So आपकी जो हमें bonding दिख रही है, वो दिख रही है शहर और कुणाल के साथ। कि शहर, I think इसमें हमें like हमें actually बहुत ज़्यादा confused हैं कि हमें दिखने क्या वाला है। एक तरफ हमें दिख रहा है कि शायद आपको और शहर को प्यार होने वाला है, बट बीच में कुणाल है, कहीं पे आप बीच वाले हैं जो कुणाल और शहर के बीच में आने वाले हैं। So क्या है स्टोरी लाइन, क्या है? शायद हम तीनों फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, शायद हम हमारा एक लेफ्ट ट्रायंगल भी हो सकता है। अभी मैं बता दूंगा तो आप 26 के बाद क्या देखोगे। सो यू गॉट टू ट्यून इन 26 को ऑन कलर्स, बिल्कुल वहां पर सारे भेदभाव से लेके। चलिए थैंक यू सो मच माहिर, आपने हमें टाइम दिया इस शो को, एंड थैंक यू फॉर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंडली कांग्रेचुलेशन फॉर योर छोटी सरदार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।